हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSB में टीचिंग और नॉन टीचिंग जो पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर देनी है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, ठीक है। हालांकि इस नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। यहां पर 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आप जो अप्लाई हैं फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। फीमेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, OBC या EWS वगैरह, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। और जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं SC ST या PWD, उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं रहेगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। तीन तरीके की पोस्ट हैं दोस्तों। दो पोस्ट हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और नर्सरी की, और एक पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की, ठीक है। जो ऊपर वाली दो पोस्ट हैं वो टीचिंग पोस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, और जो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है वो है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। दोस्तों, जो आपकी टीचिंग पोस्ट है उसमें रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर चलेगा वो Tier 1 यानी एक लेवल के एग्ज़ाम होगा आपका। और जो आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है उसमें 2 टीयर के एग्ज़ाम होंगे, Tier 1 एंड Tier 2। उन दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको अभी वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर आप देखिए ग्रेड पे भी लिखा हुआ है 4200 प्री रिवाइज तीनों का, ठीक है। और जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं EWS वगैरह वो भी लिखी हुई हैं। दोस्तों, OBC का जो बेनिफिट है वो सिर्फ जो कैंडिडेट दिल्ली के हैं, दिल्ली के कैंडिडेट को ही OBC का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाली पोस्ट का, 15/19, जिसका नाम है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। इस पोस्ट के लिए दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। क्लास 12th आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED में आपका जो 2 साल का डिप्लोमा होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, या फिर क्लास 12th में 45% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके क्लास 12th में 50% मार्क्स और उसके अलावा BLED 4 साल वाली जो BLED की डिग्री है वो होनी चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स और डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना कंपलसरी है, और या फिर ग्रेजुएशन के अलावा 2 साल का डिप्लोमा आपके पास है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप CTET का जो एग्ज़ाम है जो कि CBSE द्वारा कंडक्ट कराया गया था उसमें वो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना कंपलसरी है, और आपने हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश 10th लेवल तक पढ़ी होनी चाहिए। और ऊपर जो मैंने आपको परसेंटेज वगैरह बताई क्लास 12th में, उस परसेंटेज में रिलैक्सेशन मिलेगा आपको जो SC ST और OBC और PH कैंडिडेट हैं, 5% तक का। लेकिन याद रखिएगा, OBC वालों को, जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं, उस सिर्फ उन्हीं को OBC का बेनिफिट मिलेगा। इस पोस्ट के लिए पे स्केल है 9,300 से लेकर 34,800 तक का, ठीक है। ग्रेड बी की ये पोस्ट है। एज लिमिट वैसे अगर हम बात करें तो 30 साल तक की इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन पर अभी हम वीडियो के बीच में बात करेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी को कितने तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हमारी दूसरी पोस्ट है यहाँ पे 16/19, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास क्लास 12th और क्लास 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, इसके अलावा डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है। या फिर आपके पास BEd नर्सरी में होना कंपलसरी है अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कम से कम 2 साल का आपके पास होना कंपलसरी है, और आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट क्लास 10th में पढ़ा होना कंपलसरी है। इसके आप देख लेते हैं पे स्केल 9,300 से लेकर 34,800 तक। एज लिमिट इसकी भी 30 ईयर्स है। रिलैक्सेशन की बात अभी हम करेंगे।
दोस्तों जो हमारी जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताए गए हैं वो हैं डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होना कंपलसरी है, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री नहीं है तो उस केस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और उस डिप्लोमा के साथ आपके पास 2 साल का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वर्क एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। याद रखिएगा, ये जो आपके पास एक्सपीरियंस है ये डिप्लोमा वालों के लिए है, अगर आपके पास डिग्री है तो आपके लिए जो एक्सपीरियंस है ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इन पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ दिल्ली में ही कंडक्ट होंगे, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है वेबसाइट पे जाके। और दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे यानी जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन जो पोर्टल होता है वो ओपन होता है, उस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करने होते हैं। एग्ज़ाम जब आपका होगा तो वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड प्लस आपका वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें आपके पास एग्ज़ाम हॉल में होना कंपलसरी है। एग्ज़ाम फ़ी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 100 रुपीज़ की। मोड ऑफ सेलेक्शन 1 टीयर और 2 टीयर एग्ज़ाम से होगा। ठीक है, 1 टीयर टीचिंग पोस्ट के लिए है और 2 टीयर आपका इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो दोनों लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश प्लस हिंदी। लेकिन कोई अगर ऐसा सेक्शन है जैसे सपोज इंग्लिश कम्प्रीहेंशन आ गया या फिर हिंदी कम्प्रीहेंशन आ गया तो वो ऑब्वियसली अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही होगा। कोई आपकी जो एग्ज़ाम शीट होगी, जो आपके आंसर स्क्रिप्ट होगी, उसका रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का कोई इसमें प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेबस। ये देखिए दोस्तों, 1 टीयर का जो एग्ज़ाम है और 2 टीयर का एग्ज़ाम है, यहाँ पर आपके सिलेबस देख सकते हैं। 1 टीयर वालों के लिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन है। ठीक है, और जो आपकी टेक्निकल पोस्ट है उसके अंदर जो टीयर 1 एग्ज़ाम होगा उसमें जो सेक्शन जो ऊपर मैंने आपको बताया वो तो सेम रहेंगे, इसके अलावा आपका सेक्शन 2 भी इसमें रहेगा जिसमें आपकी जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसमें आपके MCQ आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा आपको इसमें कन्फ्यूजन रहेगी तो मैं आपको अभी टेबुलर फॉर्म में वो दिखा देता हूँ। अब समझते हैं 2 टीयर एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, जो आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट है जो कि 2 टीयर में होगी, टीयर 1 तो अपने ऊपर समझ लिया, ठीक है, टीयर 2 का जो सिलेबस है उसके अंदर पार्ट 1 में MCQ होंगे, ठीक है, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे यानी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और उसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन होंगे जो कि टीयर 1 में आपको बताया, लेकिन थोड़ा हायर लेवल का उसमें होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो, और जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऊपर मैंने आपको बताई वो सब आपकी मैच होना कंपलसरी है। रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा SC ST OBC वगैरह को, और OBC का जैसे मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली NCR के कैंडिडेट हैं, दिल्ली के कैंडिडेट हैं, उन्हीं को OBC का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PH के लिए 10 साल, PH प्लस SC ST के लिए 15 साल और PH प्लस OBC के लिए 13 साल। ठीक है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट विद एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इनको भी यहाँ पे 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में काम किया है 3 साल तक। ठीक है, गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर ओनली फॉर दोज हु हैव नॉट अवेल्ड द एज रिलैक्सेशन। ऐसे गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट टीचर जिन्होंने एज रिलैक्सेशन अवेल नहीं करा तो उनको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो समझने में दिक्कत आ रही थी तो यहाँ पर एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो 1 टीयर एग्ज़ाम है जो कि टीचिंग पोस्ट के लिए है 15/19 और 16/19, उस पर्टिकुलर दोनों पोस्ट के लिए आपके टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन समझ लीजिए, आपके जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और
टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन है, 20 मार्क्स के होंगे सारे। और सेक्शन बी में उनका जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा आपका उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और फिर दोस्तों जो टू टीयर वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका जूनियर इंजीनियरिंग वाला, तो उसमें जो टीयर वन और टीयर टू हैं दोनों में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और जो आपका जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट है उसमें जो टीयर वन है इसके आप देख सकते हैं सेक्शन जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन। और टीयर वन के अंदर जो बी पार्ट है वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फिर टीयर टू जो होगा उसमें आपके सब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन में होंगे आपका रिलेटेड पेपर 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, यानी 150 सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों ये जितने भी सेक्शन हैं यानी सभी पोस्ट के लिए दो सेक्शन हैं, इन दोनों सेक्शनों में अलग अलग आपको पास होना कंपलसरी है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो कंबाइंड लिस्ट के बेसिस पर तैयार होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी और 0.25 आपका मार्क्स कट होगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो, ठीक है, सॉरी अगर आपका आंसर गलत होगा तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। और अलग अलग सेशन की जो कट ऑफ है वो आपको जब रिजल्ट वगैरह आता है तो कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दी जाती है कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट DSSB वैकेंसी से रिगार्डिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स करके अपनी क्वारीज आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।